तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों की तैयारियां। 2 जुलाई से 1 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज। स्कूल एजुकेशन ने सूबाई वजीर तालीम को आगाह कर दिया। हतमी फैसला एनसीयूसी इजलास में किया जाएगा। बजट के असरात 1 जुलाई से नजर आएंगे। घी और खोर्दनी तेल की कीमतों में 13 से 18 रुपए प्रति किलो इजाफा होगा। बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम और वजीर खजाना को खत लिख दिया। टैक्स वापस न लिए गए तो 1 जुलाई से घी और तेल महंगा होगा। पीवीएमए की सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात भी बेनतीजा रही। आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा है न चीनी, कहां से खरीदें और कहां से खाएं। इस हुकूमत में गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, शहरी फट पड़े। जनूबी पंजाब में आटा बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर फ्लोर मिल्स 2 दिन के लिए बंद। मुल्तान में गंदम की वॉशिंग रोक दी गई। तमाम फ्लोर मिल्स पर मुकम्मल तालाबंदी। रहीमयार खान में आटे की सप्लाई रुक गई। जोकर पर 17% सेल्स टैक्स नामंजूर। नामंजूर के नारे। आटे का थैला मजीद महंगा होने का इम्कान। उधर बिहाड़ी और कहरोड़ पक्का में भी हड़ताल। एफबीआर ने फ्लोर मिल्स पर टर्नओवर टैक्स के मामले पर गलती मान ली। कहा फ्लोर मिल्स पर लागू कम अज कम टैक्स टर्नओवर 0.25% ही रहेगा। गंदम चोकर पर तजवीज करदा 17% जीएसटी का इजाफा वापस दिया जा रहा है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा की ट्वीट के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके इबहाम खत्म करने की अपील। रेस्क्यू 1122 खुद मुख्तार हो गया, महकमे का दर्जा मिल गया। रेस्क्यू 1122 महकमे दाखिला या महकमा एसएनजीएडी के मातहत नहीं होगा। डीजी रेस्क्यू को इंतजामी मामलों में सेक्रेटरी के इख्तियारात हासिल होंगे, जबकि रेस्क्यू 1122 अब बराह रास्त वजीर आला को समरी भेज सकेगा। गजट नोटिफिकेशन जारी। मियांवाली में बिजली के बिलों की अदम अदायगी। मूसाखेल में वाटर सप्लाईयों के कनेक्शन मुनकता कर दिए। मोहल्ला पारपांडी, यारीखेल, लक्कीखेल, खल्लास समेत आधा शहर पानी से महरूम। दूसरी जानब बहावलपुर में दीवान वाली पुली का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से खराब। शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए। मकीन सरापा एहतजाज, हुकाम से नोटिस का मुतालबा। बड़ा जानवर 500 और छोटा 100 रुपए एंट्री फीस मुकर्रर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जेर निगरानी बोली का अमल मुकम्मल। मुल्तान डिवीजन की 15 मवेशी मंडियों की एंट्री और पार्किंग फीस की नीलामी। 80 करोड़ 39 लाख 34 हजार रुपए में फाइनल। बहावलपुर डिवीजन 52 करोड़ 11 लाख 29 हजार और पीजी खान डिवीजन 35 करोड़ 18 लाख 82 हजार रुपए और सरगोधा डिवीजन की मवेशी मंडियों की एंट्री और पार्किंग फीस की नीलामी 35 करोड़ 78 लाख 70 हजार में की गई। और बिहाड़ी की खवातीन किसी से कम नहीं। नवाही गांव 73W की 18 साल अक्सा खवातीन के लिए मिसाल बन गई। तमाम तर मुखालफतों के बावजूद घर का निजाम चलाने के लिए मिल्क कलेक्शन सेंटर बना लिया। वालदैन और अहले इलाका की खवातीन का सर फखर से बुलंद। अक्सा का कहना है कि नौकरी का मुखालिफ सिर्फ खानदान नहीं पूरा गांव था, अब सब सपोर्ट कर रहे हैं।